दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 15 लाइट को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पे हम लाइट का फिनोमिना देखेंगे और यहां पे हम देखेंगे कि कितने टाइप के मिरर्स होते हैं। एक प्लेन मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर होता है। और हम देखते हैं कि जब ये मिरर का हम कंबाइंड कर देते हैं, कॉम्बिनेशन में लेते हैं, तो ये लेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट से आप क्या समझते हैं? ये वो चीज है जिससे कि हम किसी चीज को देख सकते हैं। तो ये हमारा कहाँ पे हमको नजर आता है लाइट का यूज एक्चुअल? हम अगर देखें तो हमको ये दिखता है कि हम अगर टॉर्च को यूज करते हैं तो हम वहां पे हमको कोई भी ऑब्जेक्ट हम सर्च कर सकते हैं लाइट की मदद से। या हम कार चलाते हो तो वहां देख सकते हैं, या ट्रेन पे हम बैठते हो तो ट्रेन में भी लाइट का इस्तेमाल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। या टावर पे आप देख पाते हैं, सर्चिंग टावर पे। तो यहाँ पे आप ये चीज देख पा रहे हैं। और अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर प्रॉपर्टीज की आप बात करें तो यहाँ पे आपके दो प्रॉपर्टीज दे रखी है मेन लाइट की। तो यहाँ पे पहला बता रहा है कि लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो इसका आप कैसे आप समझ सकते हैं इस चीज को? तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे ये हम सिक्स क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने क्या किया, एक पाइप लिया, स्ट्रेट पाइप लिया, उससे हम कैंडल को देख रहे थे तो हम देख पा रहे थे, हमको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा था। और जब हम इस पाइप को बेंड कर दिया हमने तो ये लाइट हमको नजर नहीं आ रहा था, ये कैंडल का। तो आपको यहाँ पे चीज क्लियर हो गई कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, क्योंकि जब पाइप मुड़ गया तो लाइट मुड़ के नहीं आ पा रहा था। ये चीज हमको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। और इसी को, जो लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहां पे हम दूसरे फेनोमेना को डिस्कस करते हैं लाइट के। यहां पे देखिए, लाइट का जो दूसरा फिनोमिना है, सेकंड फिनोमिना जो प्रॉपर्टी है, वहां पे ये कह रहा है कि लाइट अगर किसी शाइनी सरफेस से टकराएगी, ये मान लीजिए शाइनी सरफेस है, ठीक है, तो क्या होगा, या पॉलिश सरफेस, इससे जब टकराएगी लाइट तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई लाइट आ रही है वो टकरा के वापस चली जाएगी, वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाएगी। इसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट, या हम इसको कह सकते हैं इंसिडेंट रे। अगर लाइट तो कई रे होते हैं तो हम उसको लाइट कहते हैं, और अगर हम सिंगल ले रहे हैं रे को तो वो हो जाएगा इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्शन होगा इसका उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ पे हम एक का एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रे और लाइट में क्या डिफरेंस है। जब कई लाइन आ रही है लाइट की तो ये क्या होगा, ये हो जाएगी लाइट। और लाइट का अगर सिंगल लाइन जा रहा है, हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे रे। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो रिफ्लेक्शन का आप ये चीज समझ चुके हैं। और ये जो सरफेस होता है, जो हम यहाँ पे लाइन से दिखा रहे हैं, ये हम यहाँ पे सिल्वरिंग करा रहे हैं, इसको डार्क करा रहे हैं, तभी ये हमको प्रॉपर रिफ्लेक्शन देगा। अब इसका एग्जांपल आप अपने बचपन के, एक हम पंचतंत्र पढ़ा करते थे, वहां पे स्टोरी थी कि एक लायन था जो कि जानवरों को खाता चला जा रहा था जंगल के, तो इससे जानवर बहुत परेशान थे। तो एक बार रैबिट का चांस आया, खरगोश का चांस आया, वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसने कुएं में देखा कि अरे उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो वो लायन को ले गया, कहा कि एक जानवर दिख रहा है उसको आप खा सकते हैं अगर भूख लगे तो आपको। तो वो कुएं में देखता है तो उसको अपना ही चेहरा नजर आता है और वो कूद जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे कौन बच जाता है, अच्छे से आप देख पा रहे हैं कि रैबिट यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन का यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था पंचतंत्र में, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है।
अब यहाँ पे और हम यहाँ पे और कुछ फेनोमिनास को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लाइट आखिर कैसे वर्क करती है अगर हम मिरर्स को लेना शुरू कर दें अलग अलग। अगर हम मिरर्स की बात करें तो हम मिरर्स इस बुक में आप यहाँ पे कितने टाइप के देखेंगे, यहाँ पे हम तीन टाइप के मिरर्स को देखेंगे। एक है प्लेन मिरर, दूसरा है कनकेव मिरर, तीसरा है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो है अभी आने वाले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर क्या है, अब चलिए उसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे जो मिरर होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे एक ऐसे जो हम पहले अभी डिस्कस कर रहे थे उसको हम पहले रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको मिरर और अच्छे से समझ में भी आएगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे तीन रे ले रहे हैं और तीन रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमने रे लिया, इसको हम कह रहे हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको इतना। और ये टकराया और क्यों ये रिवर्स बैक हो गया, क्योंकि ये शाइनी सरफेस है, ये वाला जो पार्ट है ये शाइनी सरफेस है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। और ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स है, ठीक है, जहां से लाइट निकल रही है। यहाँ पे आप ये चीज देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन का, ये बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो मिरर में क्या है, वही चीज कॉन्सेप्ट कि एक साइड को हम पॉलिश करेंगे और एक साइड को हम वहां पे ब्लैकन करेंगे। तो ये जो लाइन हमारा शो कर रहा है ये हमारा सिल्वरिंग पार्ट है और ये हमारा पॉलिश पार्ट है। ठीक है, ये हमने पॉलिश पार्ट लिया है, पॉलिश सरफेस लिया है, या हम ये कह सकते हैं ये क्या है, शाइनी सरफेस है। ये टर्म्स आप याद रखिएगा, ये आपके हायर क्लासेस में भी इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि आपको ये बिल्कुल याद हो जाए। अब यहाँ पे आप शाइनी सरफेस के सामने आपने क्या किया, एक कैंडल ले लिया। ठीक है, वैसा ठीक कैंडल आपको मिरर के अंदर भी नजर आएगा, ये चीज आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम बहुत अच्छे से बना रखा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होगी, जो आप ये चीज ले रहे हैं, यहाँ पे आपने ये कैंडल लिया तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और जनरली आप फिजिक्स में देखेंगे कोई भी चीज हम जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो इमेज आपको नजर आएगी शीशे के अंदर वो एक्चुअल इमेज तो है नहीं, वो आपको इसका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इमेज। ठीक है, ये इमेज हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर रहे थे, जो ये ऑब्जेक्ट आपको मिरर में दिखेगा उसको हम इमेज कहेंगे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम चीजों को आने वाले स्लाइड्स में और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये वर्क करेगा और हम इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने देखा कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट होता है और फिर हम देखें कि वहां पे इमेज होता है, और इमेज जब वैसा ही रहे जैसा कि ऑब्जेक्ट है, जब ये दोनों सेम रहे, व्हेन दे आर इक्वल, तब क्या होगा, इमेज को हम कहेंगे इमेज इज इरेक्टेड इमेज। कैसा इमेज है, इरेक्टेड इमेज है, सेम इमेज है। लेकिन अगर यही इमेज अपनी पोजीशन बदल दे, वो इन्वर्ट हो जाए, पलट जाए, तो हम उसको कहेंगे इन्वर्टेड इमेज। ये हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं, ये हमारा कुछ नया कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हो रहा है। और यहाँ पे हम यही चीजों को हम यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, कि यहाँ पे हमने प्लेन मिरर लिया है और प्लेन मिरर के सामने हमने कटर रख दिया है, कटर ये रहा, और जैसे जैसे हम कटर की पोजीशन चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे इमेज में भी कटर की पोजीशन चेंज होती रहेगी। इतना तो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे स्क्रीन ले लें या कोई पर्दा ले लें, उसको हमने क्या किया, इस मिरर के पीछे लगा दिया, तो क्या मिरर में आपको जो हम यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं क्या वो हमको स्क्रीन में दिखेगा, तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो मिरर के पीछे है। अब अगर वो स्क्रीन को हम मिरर के आगे लगा दें तो क्या वो कटर आपको दिखेगा, तो वो कटर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे,
कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि मिरर में हम सिमिलैरिटी तो देख रहे हैं, अगर हम रखते हैं तो वैसा ही हमको इमेज दिखता है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। चलिए अब हम उस डिफरेंस को समझ लेते हैं। लेकिन अगर अब हम बात करें कि मिरर में क्या डिफरेंस होता है, सेम तो हम जानते हैं, लेकिन अब डिफरेंस क्या होगा। यहां पे आप डिफरेंस में आप ये समझ सकते हैं कि आप जैसे ये खड़े हैं, यहां पे आप पिक्चर में देखिए, यहां पे आप खड़े हैं, आपने यहां पे कौन सा हाथ उठाया, आपने लेफ्ट हैंड उठाया, ठीक है, चेक करने के लिए आप खड़े हो गए और आपने लेफ्ट हैंड उठाया। लेकिन आप जब मिरर में देखेंगे तो मिरर में जो इमेज होगी उसका वो कौन सा हाथ होगा, वो उसका राइट हैंड होगा, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो राइट हैंड हो जाएगा और सब चीजें सेम रहेंगी, नाक आपकी वैसे ही रहेगी, लेकिन जहां पे दो चीजें हो जाएंगी वो अपनी पोजीशन चेंज कर देंगी, जैसे हाथ है पैर है, ठीक है, तो आपका गला एक ही है तो वहां पे साइड आप नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन हाथ और पैर में आप इजीली ये चीज पता कर सकते हैं। जब आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो आपका राइट हैंड उठ रहा है इमेज का, और आप जब राइट उठा रहे हैं तो इमेज का लेफ्ट उठ रहा है, ये चीज हमको बिल्कुल क्लियर हो गई। इसीलिए क्या होता है कि आप जब एम्बुलेंस में देखेंगे, ठीक है, एम्बुलेंस में कुछ जो एम्बुलेंस सामने में लिखा होता है, ये देखिए यहां पर जो गाड़ी होती है एम्बुलेंस की, यहां पे जो इमेज लिखी होती है ये रिवर्स लिखी होती है, कि जब भी जो सामने में गाड़ी चल रही है वो जब देखेगा तो उसको एग्जैक्ट स्पेलिंग जो एम्बुलेंस की होती है वो उसको प्रॉपर दिखने लगेगी, ठीक है। आप देख रहे हैं कितना डेली यूज में आपको मिरर का इस्तेमाल आपको समझ में आ रहा होगा, अब ये एम्बुलेंस ऐसा नजर आता है अगर हम ऐसे रिवर्स में इसको लिख दें, ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है। यहाँ पे प्लेन मिरर में हम डेली यूज इसका देख रहे हैं, हम कैसे इंटरचेंज कर दे रहे हैं पोजीशन को मिरर में, और जो अभी तक हम नोटिस नहीं कर पाए थे अब उसको हम नोटिस कर पा रहे हैं। अभी हमने प्लेन मिरर को देखा है, प्लेन मिरर में हमने देखा कि कैंडल को हम प्लेस कर रहे थे, हमको एग्जैक्ट वही मिल रहा था, उसको हम इरेक्ट कह रहे थे। और अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स, जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि वो कोई स्फीयर से काटा होगा इस मिरर को निकालने के लिए, तो और इसका जैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और जैसा हम उसके पॉलिश कराते हैं उस सरफेस से हम उसका नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप कनकेव मिरर में आप समझ सकते हैं, जो केव है, जो गड्ढा है, उसके तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर्स, और अगर उसी के उल्टा अगर बल्जिंग साइड में जो उभरा हुआ भाग है उधर अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। अब हम इनकी बात करते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल से आप कैसे समझ सकते हैं, आपने चम्मच लिया, ठीक है, चम्मच का आपने सबसे पहले बल्जिंग पार्ट लिया, ठीक है, बल्जिंग पार्ट मतलब आपने कौन सा लिया, बाहरी हिस्सा लिया, ठीक है, यहां पे आपने बाहरी हिस्सा लिया, तो बाहरी हिस्सा लेने का मतलब क्या है कि वो क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। जब वो कन्वेक्स मिरर होगा तो उसकी इमेज कैसी होगी, वो आपको इरेक्ट नजर आएगी, जैसी वो है इमेज वैसी ही नजर आएगी, लेकिन वो बड़ी नजर आएगी, पहले से वो बड़ी हो जाएगी। इमेज कैसी होगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसी हो जाएगी, वो आपको बड़ी नजर आने लगेगी। और वहीं पे अगर आप कनकेव साइड से देखें, अगर आप उसके अंदर से देखें, इनर साइड से देखें, यहां पे देखिए इस दूसरे चम्मच में हम दिखाते हैं, अगर हम इस साइड बात कर रहे हैं, अंदर के साइड बात कर रहे हैं, तो वो कनकेव हो गया, तो वो आपको हमेशा इमेज जो होगी इन्वर्टेड नजर आएगी, इमेज जो होगी पलट जाएगी, जैसी इमेज रहेगी उससे पलट जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और साइज जो होगा उसका छोटा हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया है, लेकिन एक मैं आपको यहाँ पे खासियत बता दूं, जब आप इमेज को पास से देखेंगे कनकेव मिरर में, यहाँ पे जब आप पास से देखेंगे चम्मच को, आप खुद भी इसको देखिएगा, जब आप इसको पास से देखेंगे तो आपको इमेज बड़ी नजर आएगी, एनलार्ज नजर आएगी, मैग्निफाइड नजर आएगी, लेकिन आप जैसे ही चम्मच को दूर करेंगे आपकी इमेज
पलट जाएगी, तुरंत वो इन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए हम थोड़ा मिरर को बना के देखते हैं, आखिर मिरर कैसे बनता है। अगर हम मिरर की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, तो मिरर के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया बॉल का। हमने एक बॉल लिया, बॉल को हमने काट दिया, जो अंदर का पार्ट है जो केव की तरह है वो क्या हो गया, अगर हम उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम ले रहे हैं तो वो हो जाएगा कनकेव मिरर, कनकेव साइड हो जाएगा। और अगर हम उसके बाहर साइड बल्जिंग साइड ले लेंगे तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वेक्स साइड हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इसी तरीके से स्फेरिकल मिरर्स बनाए जाते हैं, प्रैक्टिकली भी हम इस तरीके से बनता हुआ देखते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे बात करते हैं। देखिए अगर हम क्या करें, कनकेव मिरर को ले लें, ठीक है, कनकेव मिरर को अगर आप ले लें और उसको क्या करिए, आपका कोई कनकेव मिरर है, आपने इसके सामने एक पेपर को लगा दिया, ठीक है, और यहां पे सूरज की रोशनी आ रही है, यहां से रोशनी आके यहां से टकरा रही है और ये टकरा के इस पेपर पे जा रही है, तो यहां पे वो कंसंट्रेट करेगी लाइट। जब वो कुछ देर के लिए आप इसमें देखेंगे, यहां पे देखिए ये पिक्चर आप यहां पे देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूं, जब उसको आप कंसंट्रेट करेंगे कनकेव मिरर से तो कुछ ही देर में वो इमेज आपको बिल्कुल रियल दिखेगी जैसी वो होगी। जब स्क्रीन पे आपको इमेज दिखने लगती है तो वो कहलाती है, यहाँ पे पेपर जो है वो क्या हो रहा है, वो स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आप उसका इमेज देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वो इमेज दिखता है तो वो रियल इमेज कहलाता है। कैसा होता है, वो रियल इमेज कहलाता है। और अगर वो नहीं दिखेगा, इमेज अगर वो नहीं दिखती है, जैसा कि हम प्लेन मिरर में देख रहे थे, प्लेन मिरर में क्या हो रहा था कि हमको इमेज नहीं दिख रही थी, ठीक है, तो वो इमेज कहलाती हैं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है इमेज, इसलिए वो आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। अब हम आगे में और चीजों को क्लियर करेंगे जो कि आपके इससे रिलेटेड है और आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अभी तुरंत हमने बात किया कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। जब स्क्रीन पे इमेज दिखेगी तो उसको हम उस रियल कहेंगे और जब वो नहीं दिखेगी तो उसको हम वर्चुअल कहेंगे। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने कनकेव मिरर लिया और कनकेव मिरर का आप जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कैंडल को आपने प्लेस किया और कुछ ही दूर पे आपने कनकेव मिरर को यहाँ पे प्लेस किया है, तो इसका जब आप इमेज देखेंगे स्क्रीन पर तो आपको क्या नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो कैंडल है ये दूर है स्क्रीन से, तो आपको इमेज जो है छोटी नजर आएगी, ठीक है, ये आपको छोटी नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल है और मिरर है ये दूर दूर है, ठीक है, और इमेज भी ये जो स्क्रीन है ये दूर प्लेस किया गया है, तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि इमेज यहाँ पे छोटी नजर आ रही है, ये इन्वर्टेड नजर आ रही है आपको और छोटी नजर आ रही है, ठीक है। और वहीं पे जब आप उसको दूर करना शुरू करेंगे, मतलब कैंडल को आप और दूर कर लेंगे और मिरर के पास चले आएंगे, नेक्स्ट वाले इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो ये कैंडल है जो सोर्स है ये पास में लेके आ रहे हैं हम मिरर के, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है ये लार्ज होती चली जा रही है, ठीक है, ये बड़ी होती चली जा रही है, तो ये आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये इमेज इरेक्ट होती चली जा रही है और लार्ज होती चली जा रही है, ठीक है, जो इन्वर्टेड इमेज थी वो और बड़ी होती चली जा रही है जैसे ही ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है, ठीक है, मिरर के जैसे जैसे पास में आएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, वो लार्ज होगी, ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई है। और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट दूर रहेगा मिरर से तो ये छोटा होगा, ये आप एकदम क्लियर रखिए। और इमेज कैसी दिखेगी आपको, इन्वर्टेड दिखेगी, ठीक है। वहीं पे
जब आपने कैंडल को बिल्कुल सटा के लगा दिया मिरर के, ठीक है, जब बिल्कुल मिरर के पास में दिखा दिया, इमेज जो होगा वो कैसा होगा, यहां पे देखिए इन्वर्टेड था, ठीक है, और रियल था, आपको दिख रहा था, स्क्रीन पे नजर आ रहा था, ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे वर्चुअल इमेज हो जाएगी, यहां पे इमेज बड़ी हो जाएगी और नहीं दिखेगी, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज यहां पे नजर आएगी जब कैंडल बिल्कुल सटा दिया जाएगा मिरर से। तो ये आपको यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब बात ये आती है कि कनकेव मिरर्स हम आखिर कहां यूज करते हैं, तो डेंटिस्ट जो आपका दांत चेक करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, हम टॉर्चेस में इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च आप जो इस्तेमाल करते हैं वहां पे लाइट को फैलाना रहता है तो वहां पे यूज करते हैं, कार में हम इस्तेमाल करते हैं, स्कूटर में इस्तेमाल करते हैं, इवन हम जो साइकिल में बल्ब लगाते हैं आगे में वहां पे भी जो मिरर होता है वो हम कनकेव मिरर से इस्तेमाल करते हैं। जब छोटी चीज को हमको बड़ा दिखाना हो तो वहां पे हम कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल जो अभी हमने बताया इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि डेंटिस्ट कनकेव मिरर की हेल्प से आपके दांत को चेक कर रहा है और आपके जो छोटे दांत थे वो अब उसको बड़े नजर आ रहे हैं। ये आप टॉर्च में भी देख सकते हैं, टॉर्च में क्या करता है आपकी लाइट को वो फैला देता है ये मिरर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कनकेव कन्वेक्स मिरर की। अभी हम कनकेव मिरर की बात कर रहे थे, वही सेम एग्जांपल को हम फिर से देखेंगे। यहां पे अब हमने कैंडल को प्लेस किया है और स्क्रीन पे जब आप देखेंगे इमेज जो होगा वो इरेक्ट होगा, वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि ऑब्जेक्ट है, और जो साइज होगा इमेज का वो छोटा होगा, ठीक है। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। और जब आप स्क्रीन पे देखेंगे, स्क्रीन पे जब आप इमेज देखेंगे तो वह आपको नजर नहीं आएगी, मतलब कि इमेज क्या है, वर्चुअल है, वो शीशे के पीछे में बन रहा है। जब वो फ्रंट में बनता है तो उसको हम रियल कहते हैं, जो आपको दिखता है, और जब वो नहीं बनता है इसका मतलब कि मिरर के पीछे वो क्या बन रहा है, इमेज बन रही है, इसीलिए वो आपको नहीं दिखती है, इसीलिए हम उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे में बात करेंगे लेंसेस की और देखेंगे किस तरीके से लेंसेस काम करते हैं, और हम कुछ एग्जांपल्स को भी यहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे लेंसेस को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कन्वेक्स मिरर आखिर कहां कहां इस्तेमाल होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कार के बैक मिरर में हमको कन्वेक्स मिरर नजर आता है, क्योंकि जो पीछे का व्यू होता है हमको काफी बड़ा एरिया छोटे एरिया में देखना रहता है, तो वो हमको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। और हम यहाँ पे अब बात करेंगे लेंसेस की। तो लेंसेस क्या है, अभी तक आपने मिरर्स को देखा, अब ये लेंसेस ये क्या चीज, एक हम अब नई बात करने जा रहे हैं, चलिए उसको समझते हैं। अभी तक आप देख रहे थे चाहे वो बल्जिंग पार्ट हो चाहे वो केव पार्ट हो, उसमें से हम देख रहे थे कि एक ही पार्ट जो था वो शाइनी सरफेस था, लेकिन लेंसेस में क्या होता है, हम दो कन्वेक्स मिरर को जोड़ देते हैं, ठीक है, और दोनों साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर भी रिफ्लेक्ट करेगा और इधर भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये आप यहां पे समझ पा रहे हैं, या जो कनकेव की बात कर रहे हैं वो यहां भी रिफ्लेक्ट करेगा और यहां भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इनके फिनोमिना की हम बात करेंगे, ये हम यहां पे बात कर रहे थे कनकेव कन्वेक्स लेंस की, ठीक है, जो बल्जिंग पार्ट है ये आप जानते हैं, और यहां पे केव है तो ये कनकेव लेंसेज हैं, ये आप इतना कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये आखिर मैग्निफाइंग ग्लास की तरह वो कब काम करेगा और कैसे काम करेगा, चलिए इसको देख लेते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे जो हम यहां पे अभी बात कर रहे थे कन्वेक्स मिरर की, ये क्या करता है, जब इधर से लाइट आती है, ठीक है, यहां पे मान लीजिए लाइट सोर्स है, इधर से लाइट आ रही है, तो ये लाइट को एक जगह पे कंसंट्रेट कर देता है, ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स लेंसेज हैं, ठीक है।
मिरर नहीं है, लेंस है। तो यहां पे ये एक जगह पे कन्वर्ज कर दे रहा है, तो इसको इसीलिए हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंसेस। ठीक है, हम कन्वेक्स लेंस को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंसेस। ये आप यहां पे देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, देखिए। और इसका एग्जांपल यहां पे ले रहा है, देखिए यहां पे एग्जांपल क्या ले रहा है, एक पेपर आपने लिया और सनलाइट की तरफ अपने कन्वेक्स लेंसेस से उसको कंसंट्रेट कराया, आप कुछ ही देर में देखने लगेंगे वो पेपर जलने लगेगा। ये हम लोग छोटे में खेल भी खेलते थे। और उसी के जगह पे अगर आप कनकेव मिरर को लें, तो कनकेव मिरर क्या करता है, सॉरी कनकेव लेंस, बार बार मैं मिरर कह दे रहा हूं, कनकेव लेंसेज जो है ये क्या करेंगी, लाइट को डाइवर्ज कर देंगी, ये लाइट को फैला देंगी दोनों साइड में। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे डाइवर्जिंग लेंसेज। जैसा उसका काम है वैसा उसका नाम है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो कनकेव लेंसेज को हम क्या कहेंगे बताइए, डाइवर्जिंग लेंसेज। और कन्वर्जिंग लेंसेज हम किसको कहेंगे, हम कन्वेक्स लेंसेज को कन्वर्जिंग लेंसेज कहेंगे। अब लेंसेज का हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कन्वेक्स लेंसेज को। तो कन्वेक्स लेंसेज का आप अगर पहला डायग्राम देखें, तो यहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि पहले हम सोर्स को बीच में लेते थे, अब यहां पे हमने सोर्स को किनारे कर दिया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये हमारा लेंस है, पहले हम मिरर को किनारे लेते थे, तो हम ऐसा क्यों करते हैं ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो लेंस हम बीच में इसलिए लेते हैं कि लेंस ट्रांसपेरेंट हुआ करते हैं और इससे आसानी से लाइट पास हो सकती है, तो हम इसको बीच में ले लेते हैं। जब आप देखेंगे सोर्स लेंसेस से दूर है, तो जो हमारा इमेज फॉर्म होगा स्क्रीन पर वो छोटा होगा। ठीक है, और जब आप स्क्रीन के पास ले जाएंगे, स्क्रीन को आप दूर कर देंगे और जो ऑब्जेक्ट है लेंसेज के पास में आ जाएगा, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, दोनों केसेस में आप देख रहे हैं छोटा है और बड़ा है, लेकिन यहां पे आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इन्वर्टेड है, वो पलट गया है, जैसा सोर्स आपको दिख रहा है वैसा आपको इमेज नहीं दिख रहा है। और थर्ड केस में आप जब बिल्कुल सटा देंगे, ठीक है, जब आप सोर्स को बिल्कुल लेंस से सटा देंगे, तो इमेज जो होगी ये मैग्निफाई हो जाएगी, ये काफी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और इसीलिए हम कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में। किसमें इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में। आज आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्यों हम कन्वेक्स लेंसेस को मैग्नीफाइंग ग्लास में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कि साइज को इनलार्ज कर देता है। अब वहीं पे अगर हम कनकेव लेंस को लें, तो क्या डिफरेंसेस आता है, चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। कनकेव लेंस में क्या होगा, यहां पे आप देख रहे हैं कि जितने इमेज है पहले दोनों केसेस में ये दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये रियल होंगे। थर्ड वाला हमको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है, तो ये वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा। और कनकेव लेंसेज में क्या होगा, ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा। ठीक है, ये आप इस चीज को याद रखिए। और जो इमेज होगा ये हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ये चीज आपको समझ में आ गई। और जो इमेज होगी वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह होगी, वो इरेक्टेड होगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी दोनों केसेस में। अब हम आने वाले स्लाइड में बात करेंगे कि जो सनलाइट होता है वो वाइट है या कलर्ड है, और रेनबो क्या चीज है, और ये प्रिज्म क्या चीज है, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपको काफी मजा आएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जब रेनी सीजन होता है तो कुछ आर्क फॉर्म होता है, कुछ आपको ऐसा फॉर्म होता है, वाटर ड्रॉपलेट जब आसमान से गिरते हैं तो वो लाइट उस पर जब गिरती है, जब सनलाइट पड़ती है तो आपको वहां पे 7 कलर्स नजर आते हैं, और कुछ ऐसे फॉर्म होके नजर आते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसी को रेनबो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रेन
वो कहते हैं। ओके, और इसको हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, अगर हम इसका हम अगर प्रिज्म ले लें। कोई प्रिज्म कैसा होता है, देखिए इस तरह का प्रिज्म होता है, प्रिज्म को अगर हम ले लें और उससे हम लाइट पास कराएं, देखिए यहां पे लाइट पास कर रहे हैं, तो यहां पे आपको सेवन कलर्स नजर आएंगे। वो सेवन कलर्स कौन से हैं, तो रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है और वायलेट होता है। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, विबग्योर। अगर आप उल्टा देखिए, यहां से देखिए, इधर से वी से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपको क्या नजर आएगा, विबग्योर। ठीक है, इसी को हम विबग्योर कहते हैं। और विबग्योर को हम हायर क्लासेस में जब हम प्रिज्म को पढ़ेंगे तो हम और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। यहां पे एक आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि जब सनलाइट प्रिज्म पे पड़ती है तो वो सेवन कलर्स में टूटती है, वो होता है विबग्योर। ठीक है, और इसी को अगर हम घुमा दें, अगर ये कलर्स को हम बहुत तेजी से देखें तो यही व्हाइट कलर में हमको दिखता है। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको देखेंगे। यहाँ पे आप ये जो विबग्योर का हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये आप सीडी डिस्क पे भी देख सकते हैं। जब डिस्क पे लाइट पड़ती है तो आपको कुछ सेवन कलर्स नजर आते हैं, कुछ कलरफुल वो नजर आता है। अब यहाँ पे जो ये सेवन कलर्स हैं, आपने एक गोल ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर लिया, अब पेन से आपने इसको फिक्स कर लिया, पेन का रिफिल है, यहाँ पे आपने फिक्स कर लिया, और इसको आप जब घुमाएंगे तो ये सेवन कलर्स आपको नहीं नजर आएंगे, ये आपको नजर आएगा व्हाइट कलर में। ठीक है, इसी से आप लट्टू का भी गेम बना सकते हैं, लट्टू आप इसको बना के आप इससे खेल सकते हैं। आपको आप दोस्तों को दिखाइए, जादू दिखाइए कि हम सेवन कलर का बना रहे हैं डिस्क और ये व्हाइट नजर आ रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगी, कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि आखिर हम ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कीवर्ड सीखे हैं, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे फोकस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे रियर व्यू मिरर और साइड मिरर, यहाँ पे हम कार में इस्तेमाल करते हैं, जो पीछे देखने के लिए हम करते हैं वो हमारा साइड मिरर कहलाता है, और जो हम कार के अंदर जो मिरर होता है वो रियर व्यू मिरर कहलाता है, या दोनों में ही हम जनरली इस्तेमाल करते हैं इनका। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, जो हमने बैक मिरर का बात कही है वो यही है, रियर व्यू मिरर या साइड मिरर। ठीक है, तो एम्बुलेंस में हम ज्यादातर रियर व्यू मिरर का एग्जांपल लेते हैं और साइड मिरर जो हम कार में पीछे देखते हैं। तो यहाँ पे लेंसेज और चीजों को तो हमने बता दिया, ये एज इट इज वैसे ही दे रखी है, और यहाँ पे ये जो समरी दे रखी है इसको आप जरूर खुद से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर भी आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक अवर वर्क प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस, शेयर द वीडियोस एज मच यू कैन, एंड प्लीज कमेंट इफ यू वांट एनीथिंग न्यू टू बी डन। सो थैंक यू वंस अगेन, वी विल मीट यू वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो।